मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। इस हत्याकांड के बाद जिन शार्प शूटर्स धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, ये दोनों शार्प शूटर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के गंडारा में रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मराज और शिव कुमार दोनों काफी सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये कब और कैसे आए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस हत्याकांड में शामिल धर्मराज कश्यप की मां कुसुमा ने बताया कि वो बहराइच जिले के गंडारा गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि धर्मराज कश्यप उनका बेटा है। उन्होंने इस हत्याकांड पर अनभिज्ञता जताई और कहा कि जब पुलिस आई तब उनको इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2 महीने से मुंबई में रहता है। वो मुंबई नहीं बल्कि कबाड़ के कारोबार के लिए पुणे गया था। बताया कि उनके 5 लड़के हैं और धर्मराज कश्यप उनका सबसे छोटा बेटा है। वहीं इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा की मां सुमन ने बताया कि शिव कुमार उर्फ शिवा उनका बेटा है। सुमन से जब हत्याकांड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें इस हत्याकांड की जानकारी नहीं थी, हमें इस बारे में सुबह जानकारी हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बेटा ऐसा नहीं था, वो पुणे में रहकर भंगार का काम करता था। उन्होंने बताया कि उसका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर गंडारा गांव के प्रधान पति मोहम्मद हसनैन जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और क्राइम ब्रांच इस हत्याकांड की जांच कर रही है, जो आरोपी होगा सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मराज 2 महीने पहले गया था और शिवा 7-8 महीने पहले गया था। फोन से इन लोगों की बहुत कम बातें होती थी। जब उनसे पूछा कि क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो उन्होंने पूछा कि कुछ कह नहीं सकते, या हो सकता है कि वो किसी साजिश का शिकार हो गए हों। जी हाँ, मुंबई में दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई और उनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इस हत्याकांड से पूरा देश दहल गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।